ये आपका क्वेश्चन है। L1 एक है, आपको लैंग्वेज दे रखी है L1। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट विद जीरो ओवर अल्फाबेट 0,1। मतलब ये लैंग्वेज है L1 और ये इस अल्फाबेट पे बेस्ड है, ठीक है ना। और ये बेसिकली बता के रही है कि सारे स्ट्रिंग्स जो जीरो से स्टार्ट करें, मतलब L1 को पहले आप लिखी लो सेट। तो एक तो स्ट्रिंग जो जीरो से स्टार्ट करे वो हो सकता है जीरो, एक हो सकता है 0,1, एक हो सकता है 0,0,1, एक हो सकता है 0,1,1, ठीक है ना, 0,0,0 भी हो सकता है, 0,1,1, 0,0,1, मतलब जीरो से स्टार्ट करे वो चला कितना भी जाए चाहे, ऐसे भी हो सकता है ना। इस तरीके से बहुत सारे होंगे, सारे तो मैं लिख नहीं पाऊंगा ना, इन्फाइनाइट ये होंगे तो बहुत सारे ये होंगे, क्योंकि लेंथ आपको नहीं गिवन है इसमें। लैंग्वेज की जो स्ट्रिंग्स की लेंथ है वो आपको नहीं गिवन है, इसलिए किसी भी लेंथ का स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन बेसिकली आपको एक आइडिया लग गया कि L1 है क्या। और क्वेश्चन आपका मेक DFA फॉर इट, या फिर आपको आ सकता है डिज़ाइन DFA फॉर इट, एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है ना, या आपको इसके लिए एक DFA बनाना है। अब आपका यहाँ से सॉल्यूशन शुरू है। सबसे पहले तो हमें एक स्टार्ट स्टेट चाहिए होती है किसी भी DFA के अंदर। तो स्टार्ट स्टेट हमारी आ गई A, हमने उसको मान लिया स्टार्ट स्टेट को, ठीक है ना। और स्टार्ट स्टेट है मतलब इनिशियल स्टेट है, इसलिए हम इसके आगे एरो भी लगा देंगे, ठीक है ना। सबसे पहली स्टेट जो होती है उसके आगे ऐसे एरो लगा रहता है। अब आपको बोला गया कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट विद जीरो, मतलब अगर ए में जीरो आए, अगर इनपुट ए में क्या मिले, जीरो मिले, हमारी इनिशियल स्टेट में अगर इनपुट मिले जीरो, तो वो अगली स्टेट में चला जाएगा बी में। अगली स्टेट का नाम हमने बी रख लिया, तो जीरो मिले तब तो वो अगली स्टेट में चला जाएगा, और यही स्टेट हमारी फाइनल स्टेट भी होगी, यही स्टेट हमारी फाइनल स्टेट भी होगी, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहला जो उसका बेसिकली आप कह सकते हो, सबसे पहला जो अल्फाबेट आप कह लो वो जीरो है, ठीक है ना, सबसे पहला सिंबल उसका जीरो होना चाहिए, जीरो है तो अब वो फाइनल स्टेट में चला गया। इसके बाद कुछ भी हो, चाहे जीरो हो चाहे वन हो, इस तरीके से आप लिख लो 0,1, चाहे जीरो हो चाहे वन हो, अब ये बी में ही रहेगा। बी में रहेगा क्या का क्या मतलब है, जैसे जीरो के बाद मान लो वन आ गया तो आपका बी में आ जाएगा 0,1, अगर जीरो के बाद जीरो आ गया तो आप बी में आपका आ जाएगा जीरो, अगर जीरो के बाद वन आया फिर दोबारा वन आया फिर दोबारा वन आया तो आपका बी में आ जाएगा 0,1,1,1, ठीक है ना। तो सारे आप देखो सारे आपके आते चले जाएंगे बी में, ठीक है ना। इसलिए एक बार जीरो आ गया उसके बाद अगर कुछ भी आए तो वो बी में ही रहेगा, चाहे जीरो आए चाहे वन रहे, क्योंकि सिर्फ स्टार्ट जीरो से होनी चाहिए, आगे से हमें कुछ मतलब ही नहीं है, तो वो आपका फाइनल स्टेट में ही अंदर रहेगा, ठीक है। अब क्या आपका ये DFA जो है बन चुका है? नहीं बनाया ये, क्योंकि आपको जो भी स्टेट बनानी है ना उसका आपको दोनों ही इनपुट्स पे मेंशन करना है बेसिकली, कि दोनों इनपुट्स पे क्या होगा। जैसे बी का आपने दोनों पे मेंशन कर दिया, जीरो पे भी यही रहेगा वन पे भी यही रहेगा, लेकिन ए का सिर्फ जीरो पे मेंशन होगा कि ए जीरो डालने पे बी पे चला जाएगा, वन पे मेंशन ही नहीं किया हमने कि वन डालने पे क्या होगा। तो वन वाले तो हमें चाहिए नहीं, तो वन वालों को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे, वन वालों को हम बाहर निकाल देंगे किसी और स्टेट सी में, ठीक है ना, सी में। और इस स्टेट सी का नाम हम रख लेंगे ट्रैप स्टेट, क्योंकि ये हमने बाहर निकाल दिया, अब ये फाइनल स्टेट तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, ये वाले अब फाइनल स्टेट तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, कि जब सबसे पहला जैसे ही स्टार्ट हुई तभी वन आ गया तो वो स्ट्रिंग तो कभी इस लैंग्वेज को मतलब सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसको हम कभी नहीं मानेंगे, अगर पहला जीरो आ जाए तो वो बी में चला जाएगा, और उसके बाद कुछ भी आता रहे वो बी में ही रहेगा, फाइनल स्टेट में ही रहेगा। अब क्या ये DFA कंप्लीट है? अभी भी कंप्लीट नहीं है, मैंने आपको बताया आपको जितने भी स्टेट्स बनाने हैं उनका आपको मेंशन करना है जीरो और वन पे क्या होगा। तो सी का जीरो और वन पे सी में ही रहेगा, क्यों रहेगा सी में ही, क्योंकि एक बार वन आ गया उसके बाद कुछ भी आए चाहे जीरो आए चाहे वन आए हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्टार्ट जीरो से होना चाहिए, एक बार वन आ गया तो बाद में जीरो वन कुछ भी आता रहा अब वो कभी एक्सेप्ट नहीं हो सकता, अब वो डेड स्टेट में ही रहेगा, ट्रैप स्टेट में ही रहेगा, ठीक है ना। अब आप देखो सबका मेंशन हो गया, ए का जीरो पे यहाँ होगा, ए का वन पे यहाँ होगा, और सी 0,1 पे दोनों कंडीशंस में सी पे ही रहेगा, बी 0,1 पे दोनों कंडीशन में बी पे ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो है ये आपका आ चुका है, ठीक है। अब आप लोग इसको वेरीफाई करके देख सकते हो किसी के लिए भी, जैसे आपको 0,0,0 के लिए वेरीफाई करना है तो आप देखो ए में आपने जीरो डाला बी पे आ गया, बी में आपने जीरो डाला तो बी में ही रहा, तो 0,0 आ गया बी में, अब आपने बी में दोबारा जीरो डाला तो एक और जीरो आ गया, तो 0,0,0 आपका बी में आ चुका है। ऐसे ही आप किसी के लिए भी वेरीफाई करके देख लो, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारा DFA है ये सही बना हुआ है। और एग्ज़ाम में आप हमेशा वेरीफाई करके देखना अपना जो भी आप DFA बनाओगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि कहीं गलती तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं आपने कर दिया, हमेशा वेरीफाई करके आप देखना। DFA के और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डिज़ाइन अ DFA एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 ओवर अल्फाबेट 0,1। अब आपको जो लैंग्वेज बेसिकली चाहिए वो आपको चाहिए लेंथ 2 की
सारे उसमें स्ट्रिंग्स आ जाएं ओवर दिस अल्फाबेट, मतलब 0.0 उसमें आ जाए, 0.1 आ जाए, 1.0 आ जाए और 1.1 आ जाए, ठीक है ना। तो इस लैंग्वेज के लिए आपको डीएफए बनाना है। सबसे पहले तो इनिशियल स्टेट ले लेंगे, इनिशियल स्टेट को हम जनरली ए मानते हैं, तो ए ही मान लिया और इसके आगे एरो इस तरीके से लगा देंगे। अब इनिशियल स्टेट में आपका चाहे ज़ीरो आ जाए चाहे वन आ जाए, चाहे ज़ीरो आ जाए चाहे वन आ जाए, उसको आप अगली स्टेट में भेज दो बी में, और बी को भी अगली स्टेट में भेज दो चाहे ज़ीरो आ जाए चाहे वन आ जाए, और सी आपकी फाइनल स्टेट आएगी, ठीक है। अब क्या ये आपका डीएफए कंप्लीट है? क्या हुआ कि ए में चाहे जीरो आ जाए चाहे वन आ जाए बी में भेज दिया, बी में चाहे जीरो आ जाए चाहे वन आ जाए सी में भेज दिया, तो सी जो है आपका वो लेंथ टू का उसमें स्ट्रिंग आ गया, चाहे वो जीरो से शुरू हो चाहे वन से शुरू हो, ठीक है ना। तो आपका सी में ये तो आ चुके हैं चारों, लेकिन क्या आपका अभी ये डीएफए कंप्लीट है? नहीं है कंप्लीट, क्योंकि सी के लिए हमने नहीं बताया कि जीरो या वन आने पे क्या होगा। लेकिन अगर सी में कुछ भी आए, एक और जीरो है एक और वन आ जाए, सी की तो लेंथ बढ़ जाएगी, तो सी की लेंथ तो लेकिन बढ़नी नहीं चाहिए, लेंथ तो टू रहनी चाहिए, टू ऑलरेडी है, तो जीरो इस आ जाए चाहे वन आ जाए इसको हम बाहर भेज देंगे। अगर दोबारा 0.1 इसमें आ जाए उसको हम बाहर भेज देंगे डी स्टेट पे, ठीक है ना। तो ये आपकी फाइनल स्टेट है, लेंथ इसकी टू है, और अगर टू से बढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो आपका जो भी होगा 0.1 वो बाहर चला जाएगा, फाइनल स्टेट में वो नहीं रहेगा। और इसको आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि डी आपकी क्या है, डेड स्टेट है, या फिर मैंने बोला था ट्रैप स्टेट है, कुछ भी आप लिख लो इसको ट्रैप स्टेट, कि अब डी में जो भी है वो फाइनल स्टेट तक कभी पहुंच नहीं सकता, वो डी में ही रहेगा। और एक और बात, अभी भी आपका ये डीएफए कंप्लीट नहीं है, डी को भी तो करना पड़ेगा, डी में कुछ भी आ जाए 0.1 वो डी में ही रहेगा, ठीक है ना। डी में कुछ भी आ जाए 0.1 रहेगा, उसी में रहेगा वो, ठीक है। तो ये आपका डीएफए अब कंप्लीट है ये जाके, ठीक है ना। और इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, इन सब के लिए खुद वेरीफाई आपको खुद करना है और चेक करना है कि आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ठीक है।